आज की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी RMLAU रिजल्ट 2023 फॉर फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर BA BSc BCOM रिलीज डेट। ठीक है, आपका रिजल्ट कब रिलीज होगा, कैसे चेक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन के डिटेल में देखिए। चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल RET EduTech को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि हम आपके लिए से लेटेस्ट एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट, जॉब वैकेंसी, सरकारी एज वेल एज प्राइवेट, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, कैसे अप्लाई करना होता है, कौन कौन सा स्किल कोर्स करनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होती है, सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं। बैचलर ऑफ साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाई द राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या इन ऑफलाइन मोड फॉर फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन हुआ था फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का, आपका जो टाइमिंग था 2 घंटे का था। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स वेट करें कि हमारा रिजल्ट कब रिलीज होगा। अगर हम बात करें स्टेट उत्तर प्रदेश, ऑर्गेनाइजेशन आपका जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया था राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या ने किया था। कोर्स की हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस BSc BA BCOM सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड। एग्ज़ाम डेट की हम बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था January 29 से लेकर March 2 तक हुआ था। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स वेट करें कि हमारा रिजल्ट कब रिलीज होगा। डेट फॉर अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट फॉर फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर BA BSc BCOM इज नॉट येट डिस्क्लोज ऑफिशियली बाय द राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या। ठीक है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट रिलीज़ नहीं की कि आपका रिजल्ट कब रिलीज होगा। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या कंडक्ट द फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम इन ऑफलाइन मोड फ्रॉम January 29 to March 2023 फॉर द सेम RMLAU रिजल्ट 2023 इज गोइंग टू बी रिलीज ऑफिशियल इन ऑफिशियल वेबसाइट। आपका जो रिजल्ट है ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होगा On 20 April 2023। ठीक है, 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।